हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बागवानी नॉलेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंगूर की सबसे अच्छी प्रजाति के बारे में। दोस्तों, जो वीडियो में आप पौधा देख रहे हैं, ये अंगूर का पौधा है और यह कलम के द्वारा लगाया गया पौधा आप देख सकते हैं। और अभी यह हालांकि एक महीने का पौधा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं अंगूर फल रहे हैं। दोस्तों, ये इसमें देखिए आपका अंगूर फल आना शुरू हो चुका है। तो ये कलमी वैरायटी का पौधा है, इसको आप अपने गमले में लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह पौधा अभी लगाया हुआ है कलम से, और इसमें लगाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं इसकी डालियों को काट के आप अंगूर को लगा सकते हैं, लेकिन वो अंगूर की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। ये जो पौधा आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, यह काला अंगूर का पौधा है। काले अंगूर को तो आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी चूँकि इसके गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो अंगूर का जो फल आने का जो मौसम होता है दोस्तों, यह गर्मी का महीना जब प्रारंभ होता है मार्च अप्रैल में, तो इसमें फूल और फल आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस किस पौधे में अभी देख रहे हैं छोटे छोटे इसमें फल आना शुरू हो चुके हैं। अंगूर एक लता बेल वाला पौधा होता है दोस्तों, तो जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो आप याद रखें कि इसकी जब समुचित व्यवस्था अगर आपके पास चढ़ाने के लिए हो, तो वैसी व्यवस्था हो तभी आप इस पौधे को आप लगाएं। क्योंकि अंगूर लतर वाले पौधे होते हैं और यह लटक के जो है फल आता है, इसमें अंगूर के गुच्छों में फल आना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। जब इसमें फल आना शुरू होता है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पौधे को कलम के द्वारा हमने तैयार किया हुआ है, और इस पौधे की अपनी अलग अलग विशेषता है। इसमें आपकी देख सकते हैं, इसमें हरे अंगूर वाले भी पौधे इसमें लगाए हुए हैं और इसमें काले अंगूर के भी पौधे हमने इसमें कलम को लगाया है। और इस पौधे को लगाने के लिए अगर मौसम, अगर आप उपयुक्त समय अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको आप लगा सकते हैं। अंगूर के पौधे में दोस्तों, यदि हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो अंगूर के पौधे में जो फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, इसमें आपका DAP है और कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटास है और नीम की खली है। ये आप इसमें मिक्स करके इसके पौधों में आप दे सकते हैं, जिससे इसकी जो ग्रोथ हो बहुत ही अच्छी हो और उसमें फल ज़्यादा आए। तो अभी छोटे पौधे हैं जो कि अभी लगाने का जो अभी मौसम है, इस पौधे छोटे पौधों को आप अगर गमले में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये नेक्स्ट ईयर के बाद आपका इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं दोस्तों फल आने के लिए। तो जब भी आप पौधा लगाएं अंगूर का, तो ये विशेष आप ध्यान रखिए कि अंगूर के पौधे को लगाने के 2 से 3 वर्ष तक आपको वेट करना होगा दोस्तों। और ये जो पौधा भी आप देख रहे हैं फल के द्वारा, ये हमने ब्रीडिंग करके लगाया हुआ है, इसीलिए इसमें जल्दी फल आते हैं। तो आप भी इसको ब्रीडिंग करके आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप मिट्टी को तैयार कर लें। मिट्टी में जो आप बनाने की ज़रूरत पड़ती है, गार्डन सॉयल आपकी होती है 80%, 20% आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आप इसमें पानी की मात्रा ज़रूर ध्यान दें, पानी आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग न दें, जिससे नए नए पौधे लगाते वक्त अगर ओवर वाटरिंग आप करते हैं तो पौधे आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आप सेमी शेड एरिया में रखें। अभी चूँकि छोटे पौधे हैं, जैसे कि बड़े पौधे तैयार होने लगते हैं वैसे ही इसको धूप में आप रख सकते हैं। इसमें कोई अगर कीड़ा मकोड़ा लगता है दोस्तों, तो आप हल्की पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेस्टिसाइड में आप एसीफेट 75% SP जो आती है दवा, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे की पत्तियाँ आपकी अच्छी रहें। अच्छे न्यूट्रिशन के लिए आप ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड का जो घोल आता है मार्केट में आपको अवेलेबल, वो आसानी से मिल जाएगा। और नर्सरियों में इस पौधे को आप खरीद सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। प्राइस आपका 20 से 40 रुपये स्टार्टिंग रेट होता है। आप इसको अपने गमले में नर्सरी से परचेस करके लगा सकते हैं दोस्तों। एंड आई होप कि दो वीडियो में बताई गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।